भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। देश में आंकड़ा 50,000 के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,958 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 126 लोगों की मौत हुई है। अब तक इस जानलेवा संक्रमण से 49,391 लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 1,694 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 14,183 लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की बात करें तो मरने वालों की संख्या 2.5 लाख से भी अधिक हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 81,246 नए मामले सामने आए हैं। मरने वालों की बात करें तो 5,787 लोगों का इजाफा हुआ है। दुनिया भर में अब तक 37,26,666 लोग संक्रमित हो चुके हैं, इनमें से 2,58,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अमेरिका सबसे सर्वाधिक प्रभावित देश है, जहां पे 12,37,633 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 72,271 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो है कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ते जा रहा है। भिलाई के फरीदनगर से एक युवती संक्रमित मिली है। युवती 26 वर्ष की है। बताया जा रहा है कि वह महाराष्ट्र के नागपुर से भिलाई पहुंची थी। फिलहाल उन्हें एम्स में भर्ती करा दिया गया है, जबकि उनके संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में इस एक नए मामले के साथ ही अब तक कुल 59 जो है संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। फिलहाल इनमें से 36 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की चपेट में पुलिस के जवान भी बड़ी तादाद में सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि दिल्ली पुलिस के 75 से अधिक जवान कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। इनमें सिपाही से लेकर के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हैं। पॉजिटिव पुलिस कर्मियों में तबलीगी जमात मामले की जाँच कर रहे क्राइम ब्रांच की टीम भी शामिल है। इनके 5 सदस्य जो है संक्रमित मिले हैं। पुलिस थानों में तैनात, स्पेशल ब्रांच में तैनात और बाकी डिवीजनों में तैनात पुलिस कर्मियों के संक्रमण होने का मामला सामने आया है। पुलिस वालों को जो है क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में अब तक 5,000 से भी अधिक संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 64 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आवास का ड्राइवर भी जो है कोरोना पॉजिटिव मिला है। ये खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 59 वर्षीय जो शख्स पॉजिटिव मिला है, उसे उम्र को देखते हुए छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी जब तबीयत खराब हुई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पुलिस अधिकारी इस व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों की पहचान कर रहे हैं। आपको बता दें कि बजाज नगर में एहतियातन कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वहीं राजस्थान में मंगलवार को एक ही दिन में एक दर्जन से भी अधिक लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में कुल मरीजों की संख्या 3,000 से अधिक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र में चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय ने प्राइवेट डॉक्टरों को लेकर के एक आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि निजी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों को भी अब सरकारी अस्पताल में काम करना होगा। आदेश नहीं मानने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी भी दी गई है। मुंबई में करीब 25,000 प्राइवेट डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी हैं। आदेश में इनको कहा गया है कि निजी डॉक्टर्स और चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वायरस के मद्देनज़र सरकारी अस्पतालों में काम करेंगे, वो कम से कम 15 दिन सरकारी अस्पतालों को देंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।